हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एप ऑफ सिरप के बारे में। एप ऑफ सिरप के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे सिरप का कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ होते हैं यानी क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी दवाइयों के साथ इसका इंट्रैक्शन हो सकता है, जो दवाइयां आपको इस सिरप के साथ नहीं लेनी चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें साइप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg/5 ml की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी का ये प्रोडक्ट है। और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 200 ml सिरप का प्राइस 93 रुपये है। ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, आपको MRP से कम दाम पर आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए एप ऑफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सिरप का इस्तेमाल स्पेशली भूख बढ़ाने के लिए, एनोरेक्सिया की समस्या को दूर करने के लिए और कुछ एलर्जिक कंडीशंस को दूर करने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है या कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे पेशेंट को आपके डॉक्टर इस सिरप को सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को एलर्जिक कंडीशंस की समस्या है, जैसे स्किन में रेसेस पड़ना, स्किन में खुजली होना या किसी कीड़े के काटने से एलर्जी होना, अगर ऐसी समस्या है तो उस कंडीशन में भी साइप्रोहेप्टाडीन सिरप का या साइप्रोहेप्टाडीन जो मेडिसिन होती है उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एप ऑफ सिरप की खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जा सकती है। तो एडल्ट पर्सन के लिए 5 ml से 10 ml दिन में 2 बार या 4 बार इसको दिया जा सकता है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं और उसके हिसाब से उसकी डोज भी अलग अलग हो सकती है। जैसे मरीज का वेट कितना है, मरीज की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या है, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है, ये सारी कंडीशंस आपके डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद डोज प्रिस्क्राइब करते हैं, इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप इसको बच्चों को देना चाहते हैं तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल कराना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि आपसे कोई खुराक छूट जाती है तो उसे जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे यदि आपकी दूसरी खुराक नज़दीक है तो पहली खुराक को आपको नहीं लेना चाहिए, या क्षतिपूर्ति करने के लिए 2 खुराक एक साथ नहीं लेने चाहिए। नेक्स्ट है, ओवरडोज लेने से बचना चाहिए। यदि आप ओवरडोज लेते हैं तो आपको कई तरह के इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इस सिरप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे ऊँघना, चक्कर आना, मुँह सूखना, दस्त लगना, उलझन होना, कब्ज होना, सुस्ती होना, धुंधली दृष्टि होना, उनीदापन होना, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस सिरप से देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस सिरप की सावधानियों के बारे में, जैसे कि एलर्जिक कंडीशंस में, प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, लीवर की बीमारी में, किडनी की बीमारी में, अस्थमा की बीमारी में, शुगर की बीमारी में, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी में, या ड्राइविंग करते समय इस सिरप का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस सिरप के इंट्रैक्शन के बारे में, कौन कौन सी दवाइयों के साथ इसका इंट्रैक्शन हो सकता है, जो दवाइयां आपको इस सिरप के साथ नहीं लेनी चाहिए। जिन दवाओं में कोडीन की मात्रा होती है तो ऐसी दवाएं इस सिरप के साथ नहीं लेना चाहिए, स्पेशली कुछ कफ सिरप्स होती हैं, ऐसी कफ सिरप इस सिरप के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपस में इंट्रैक्शन कर सकती हैं और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट उत्पन्न कर सकती है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कुछ नींद लाने वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे अल्प्राजोलाम, क्लोनाजेपाम, डायजेपाम, तो ऐसी दवाइयों को भी इस सिरप के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी आपस में इंट्रैक्शन कर सकती है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कुछ एंटी कैंसर दवाइयाँ होती हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट, इस दवा को भी इस सिरप के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भी आपस में इंट्रैक्शन कर सकती है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न कर सकती है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।